मुंबई के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी बच्ची चुराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नामी सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए कैसे बदमाश ने मौका देख बच्ची को गायब कर दिया। सफदरजंग अस्पताल में बच्ची चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ बच्ची का चोर। क्या माँ बाप से मिल पाएगी ये मासूम? मुंबई के सीएसटी स्टेशन से चुराई गई बच्ची तो आज तक पर तस्वीर दिखाई जाने के बाद मिल गई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में नामी अस्पताल से चोरी हुई ये मासूम बच्ची क्या अपने माँ बाप से कभी मिल पाएगी? अगर आप इस चोर को पहचान सकें और पुलिस को खबर करें तो शायद ये नन्ही मासूम भी खुश नसीब साबित हो और ये बदमाश हवालात के पीछे पहुंचे। जरा देखिए कैसे बच्ची चुराने की ताक में है ये शख्स। ये तस्वीर 13 जून 2011 की है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वार्ड नंबर 20 के आगे ये बदमाश चहलकदमी कर रहा है। सही मौके की तलाश में कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर, और ये देखिए मौका मिलते ही अब उसने उठा लिया बच्ची को। बच्ची को उठाने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ गया और फिर बच्ची को तौलिए से ढककर 9:02:11 हो गया। दूसरे कैमरे में कैद उसकी ये तस्वीर देखिए, बच्ची चुराने के बाद कैसे तेजी से भागता जा रहा है ये बदमाश। पिछले साल 13 जून को ओखला के अंजन सिंह का बेटा अस्पताल में भर्ती था। उनकी पत्नी 3 बेटियों के साथ अस्पताल के वार्ड नंबर 20 के बाहर ही सो रही थी। तभी इस बच्ची चोर की बुरी नजर इस मासूम पर पड़ गई और वो अब तक अपने माँ बाप से जुदा है। भूपेंद्र चौधरी, दिल्ली, आज तक।